आज हम यहाँ पर सीखेंगे ए इनवर्स है ज्ञात करना। 3×3 मैट्रिक्स का ए इनवर्स है वो किस तरीके से ज्ञात करते हैं, वो भी एक शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, शॉर्टकट मेथड से ए इनवर्स है वो किस तरीके से ज्ञात करते हैं यहाँ से हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो भी आपको मैट्रिक्स दे रखा है इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटे डिटरमिनेंट ए। तो ए निकालेंगे तो इसको आप इस तरह बदल दीजिए, 0, 1, -1, 4, -3 और 3, -3, 4। यहां से 0, -12, +12 या ऐसे लिख दो -12, +12, -1, 16, -12, -1 ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, यहाँ गया माइनस का 12 और प्लस का 9, एक 0 हो गया, ये आएगा माइनस का 4 और प्लस 3 यानी -1 नॉट इक्वल 0। यानी कि इस यहाँ पर ए इनवर्स निकालने का एक अस्तित्व है तो हम ए इनवर्स है वो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ए इनवर्स का शॉर्टकट मेथड क्या है वो समझिए, यहाँ से उस शॉर्टकट मेथड को हम यहाँ पर लिखेंगे। ध्यान देना, जो भी तुमको दे रखा है इसको यहाँ पर लिख दो, 0, 1, -1 4, -3, 4, 3, -3, 4। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, इनको दोबारा रिपीट कर दो, 0, 4, 3, 1, -3, -3। ये R1 है और ये R2 है, R1, R2 को दोबारा रिपीट कर दो, 0, 1, -1, 0, 1, 4, -3, 4, 4, -3। अब आपको क्या करना है, इसकी जो पहली रो है और पहला कॉलम इसको डिलीट कर दीजिए, कर दिए यहां से। अब यहां से हम एडजॉइंट है वो आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। आसानी से कैसे ज्ञात करें, जानना सबसे पहले क्या करें, ये जो आ रहा है इसका जो पहला कॉलम है, पहला और दूसरा कॉलम इसको लेके चलेंगे, करो -12 और +12, 0। इसमें तो रो कॉलम के अनुसार चलेंगे और इधर रो के अनुसार चलेंगे। अगला 3, -4, -1। अगला 4, -3, 1। ठीक है, अब दोबारा यहां से चलेंगे, 12, -16, -4, 0, +3, माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, -4 और 0। अब इधर इस लेंगे -12 और +9, -12 + 9, -3, 3 -0, 0 -4। ये हमारे पास एडजॉइंट है वो आ चुका है, यहां से हमने क्या प्राप्त कर लिया है, एडजॉइंट ज्ञात कर लिया। ठीक, अब हम जानते हैं कि ए इनवर्स है बराबर होता है एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए बटे ए का डिटरमिनेंट। ठीक है, यानी ए का सारणिक होता है, एडजॉइंट ए बटे ए का सारणिक है। और यहां से देखो -1 यदि यहां पर इक्वल यानी ये 0 आ जाता है तब हम ये नहीं ज्ञात कर सकते, यहां से ए इनवर्स है वो हमारे पास नहीं आएगा, लेकिन यहां पर 0 नहीं आया है कि नॉन सिंगुलर प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ध्यान देना, ये हुआ ए इनवर्स, ए का डिटरमिनेंट 1/-1, मान रख दीजिए, 0, -1, 1, -4, 3, -4, -3, 3, -4, ये आ गया हमारे पास। ठीक, अब -1 का आप अंदर भाग लगा सकते हैं, जैसे -1 का भाग लगाएंगे तो आपके पास आएगा, ये तो 0 रहेगा, -1 क्या हो गया +1, -1, +4, -3, +4, +3, -3, +4। That's it. ये हमारे पास ए इनवर्स है वो
आ गया है। तो इस तरीके से हम ए इनवर्स है वो ज्ञात कर सकते हैं एक शॉर्टकट मेथड से। एक हमारे पास लेंथी मेथड आता है जैसे कोफैक्टर वगैरह निकालते हैं उसके अंदर, और एक यहाँ से हम सीधे शॉर्टकट तरीके से है वो ए इनवर्स है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से ए इनवर्स है वो किस तरीके से निकाला है वो हमने आपको बताया है, आशा करते हैं आपको समझ